चलो देखो दोस्तों, हमारे पास एक आईफोन 14 प्रो मैक्स है। और ये फ़ोन कैसा है, ये ठीक है, ये अभी हमने खोला हुआ है, लेयर निकाला है इसका। आप इसकी लेयर देख सकते हो कितनी सही और अच्छी तरीके से इसकी लेयर निकली है। और विदाउट SMD प्री हीटर के हमने लेयर निकाला है। और इसको हमने अभी कोर्स में इंक्लूड किया है कि किस तरीके से हमने इसका सेफ मोड में लेयर निकाला है। पर ये रीडिंग जो है लगाने पर कैसी क्या दे रहा है, आओ मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास इसका कनेक्टर नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आईफोन के कनेक्टर हो, जो बूट केबल हो, तो ही आप आईफोन को चालू कर सकते हैं। आपको प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत है खाली। तो हमने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जंपर मारा हुआ है। ये जंपर हमारा बैड VCC से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो हमारे प्लस से होता है। हमको केवल अब यहाँ पर जो अपना, और ये जंपर आप देख सकते हो मैंने किससे लिया है, ये मैंने अपने प्रोब से लिया है। ये आप देखो प्रोब है ना, ये जंपर आपको यहाँ से दिखाई देगा। और दूसरा कि यहाँ पर हमने बस इसको माइनस पे टच करना है। अब जैसे माइनस पे टच कर रहे हैं तो देखो ये एक लीकेज जा रहा है, आप देख सकते हो ये कितना लीकेज जा रहा है। और हमको ये चेक करना है कि ये लीकेज इसमें पहले से था, ठीक है, नोटिस करो, ये देखो 200 तक जा रहा है, आप देखो यहाँ पर, तो आपको 200 तक ये मिल रहा है। तो हम थर्मल कैमरे से इसको चेक करते हैं कि इसका लीकेज हमें कहाँ मिल रहा है। तो देखिए हम इसको थर्मल में रखते हैं, यहाँ हमने इसको थर्मल में सेट किया हुआ है, ठीक है। और अब हम इसका माइनस टच करेंगे, देखिएगा तो ये जो PFO या छोटे छोटे जो आपके एम्पलीफायर IC होती है उसके ऊपर का जो ये सरफेस होता है, ये ग्राउंड होता है, तो हम इसको टच कर देंगे। ये देखो, तो यहाँ पर आप देखो तो शॉर्टिंग आपको यहाँ दिखाई दे रही है। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे 130 डॉट फ़ारेनहाइट की शॉर्टिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम इसको और भी जूम कर सकते हैं, हम इसको और जूम करते हैं आपके लिए, देखिएगा जैसे टच किया, ये देखो ये एरिया आपको दिख रहा है। तो ये जो शॉर्टिंग का एरिया है, अब हमें ये एरिया देखना है कि यहाँ पे कैपेसिटर है या ये IC है। और हम इसको चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग है उसी से है या किसी और एरिया से। तो सबसे पहले इसमें A16 है, हम इसका CPU करने के लिए हमने ये फ़ोन खोला है, तो हम इसका CPU करेंगे और अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड करेंगे कि किस तरीके से सेव मोड में हमें ये CPU को करना है, ठीक है। पर सबसे पहले हम इसकी शॉर्टिंग को हटाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये IC हल्की सी यहाँ से टूटी हुई भी है, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये IC आपको टूटी हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ, तो ये जो IC है हमें किसी दूसरे बोर्ड से चेंज करनी पड़ेगी। फिलहाल हम निकाल के देख लेते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता है। इसका मेरे पास डिस्प्ले नहीं है, पर आपको बूट सिक्वेंस DC का तो मालूम हो गई अब। तो ये देखो ये IC यहाँ पे हल्की सी टूटी हुई है, तो मैं IC को ही बाहर कर लेता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि मेरे को शॉर्टिंग जो है वो हट रही है कि नहीं हट रही है, ठीक है। अब इसका CPU करने में काफ़ी मज़ा आएगा। सबसे पहले ये IC को
निकाल देते हैं। आप सीपीयू को सेव भी कर सकते हो उस टाइम पे, क्योंकि आपको अगर आप थोड़ा फ्रेशर हो और आप नहीं चाहते कि सीपीयू डैमेज हो, तो सीपीयू पर कुछ भी रख सकते हो, छोटा सा पार्ट, आईसी, आप टेप भी लगा सकते हो उस पर, जो आपके हीट रेजिस्टेंट टेप्स होते हैं इस तरीके से। अब हम नोजल लगाएंगे और अपनी जो हीट है वो 340 पर रखेंगे और एयर को भी 300, एयर को 50 और 40 के बीच में आप रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर मेरी हीट और ये भी नोटिस कर सकते हो, ठीक है। इतने कॉम्पोनेंट फंसे फंस कर लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास गैप मिलेगा हमें आईसीयू को पकड़ने के लिए। तो हमने आईसी हटा ली है, इस आईसी को हम संभाल के रखेंगे फिलहाल, इसका नंबर वंबर और सारी चीज़ें समझने के लिए। तो आईसी को पहले हम बोर्ड को चालू करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें सीपीयू करने के लिए चाहिए, ऐसा तो है नहीं कोई कस्टमर को देना है कि हमें ये आईसी, क्योंकि ये नेटवर्क की एक आईसी है और मे बी मुझे लगता नहीं है कि बूटिंग में इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। एक बार अपना बूट को फिर से चेक करके और जैसे ही हमारे पास दूसरा बोर्ड आएगा तो हम इस दूसरे बोर्ड से ये आईसी निकाल के यहाँ पर लगा देंगे, पर हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी इस बोर्ड का हमें सिर्फ सीपीयू करने के लिए हमने ये बोर्ड परचेस किया है। पर क्योंकि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता था इसलिए ये वीडियो बनाया, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं और हमें बड़ी चीज़ें लगती हैं, पर अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटी लगेंगी।
और आप अपने ऐसे फॉल्टों को आराम से निकाल सकते हैं। अब हम वापस जंपर ले लेते हैं अपना। मैंने जंपर निकाला नहीं था ये सोच के कि वहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं, पर जंपर खुल गया मेरा। ये मेरा जंपर, ये मेरे बी बैट बैट सीसी से कनेक्टेड होता है। अब इसको मैं फिर से चेक करूँगा तो मैंने माइनस में कहीं भी लगा सकता हूँ, तो माइनस में कहीं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ एक्चुअल में, मैं सिर्फ रख रहा हूँ माइनस को, टच कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको चेक करते हैं कि अब हमारा शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो शॉर्टिंग है वो निकल गया है, ठीक है। ये देखिए अब हम बूटिंग करेंगे और हम चेक करते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं ट्रिगर करूँगा और मैंने एक ट्रिगर पॉइंट बनाया है डीसी के साथ माइनस को ऐड करके। तो यहाँ पर हमें टिकट करना है उसको। मैं आपको ये चेक करने के लिए इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट करके दिखाता हूँ कि ये ट्रिगर, ये मेरा प्लस कनेक्टेड है कि नहीं। अच्छा, तो मेरा यहाँ से भी जंपर निकल गया है, ये भी लगा देते हैं। ठीक है, अब हम वापस पहले माइनस प्लस को टच करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने माइनस को टच कर रहा हूँ तो मेरा जो बूटिंग है डीसी का वो जीरो ही है, क्योंकि मेरा जो शॉर्टिंग है वो तो निकल ही चुका है। अब हम इसका बूटिंग करते हैं बूट और देखते हैं कि हमारा हमें बूटिंग क्या बता रहा है ये। देखिए ये हमारा बूट होने लग गया है, 200 के ऊपर ही हमारा ऑन हो जाएगा। तो मैं इसको फिर से करता हूँ क्योंकि मैंने माइनस को भी पूरे अच्छे से अभी जोड़ा नहीं है, सिर्फ खाली टच कर रहा हूँ और मुझसे हिल गया होगा माइनस। अब ये माइनस को मैंने यहाँ पे टच किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको बूट कर रहा हूँ और ये मैंने जंपर लिया होगा प्लस से। ये मेरा पावर की है, तो देखिए ये मेरा बूटिंग ले लिया इसने, ये चला गया 250 के ऊपर
300, ये देख सकते हैं आप 900, ये 1000 के ऊपर भी है, 1000 के ऊपर चला गया। ये मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है पूरी तरीके से, ये मेरा एप्पल लोगो तो आ ही गया था। तो आई होप कि आपको ये पता चले कि बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें नहीं होती हैं, दिक्कतें छोटी छोटी होती हैं। अगर नॉलेज हो तो आप कर सकते हैं इसी चीज़ के लिए। अगर आप घर बैठे और शॉप बैठे अगर काम सीखना चाहते हैं आईफोन का सस्ते में, तो आप मेरा आईफोन का ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हैं। देखो ये फिर जीरो हो गया क्योंकि मैंने हटा लिया। अब इसको मैं फिर से रख के एक बार और बूट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो ये बूट हो रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आपको पूरा वो सीखना है जो कि बाहर के विदेशी चाइनीज़ और सब तरह का डाटा के साथ है, जो आप हिंदी में बहुत अच्छे से समझेंगे प्रैक्टिकली और थ्योरिकल दोनों, तो आप ज्वाइन कर लो मेरा कोर्स। नीचे एप्लीकेशन जो जाओ एंड्रॉयड की प्ले स्टेशन में सर्च करो एसर टेलीकॉम आईफोन, और आप 1,00,000 बेसक लगाइए किसी इंस्टीट्यूट में जाकर, 1,00,000-1.5 लाख पर आप अगर मेरा कोर्स परचेज करते हैं तो मुझे लगता है कि 1,00,000 रुपये आपके वसूल कोर्स में ही हो जाएंगे। वहाँ भी आपको नॉलेज मिलेगी, पर आपको सिर्फ 10,000 रुपये का जो मेरा कोर्स है उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कोर्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर 500 के ऊपर वीडियोज़ हैं जो कि बहुत होते हैं, 500 प्लस आईफोन 6 का पूरा का डाटा, आईफोन 6, आईफोन 7, आईफोन X, आईफोन 11, आईफोन 12 और 13, 14, देखो 14 तो अभी मैंने इसका लेयर बताया, उसमें CPU बताऊंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।